गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा ब्रश कटर रहता है जिसको हम गेहूं काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और धान काटने के लिए भी, और इसके साथ एक और अटैचमेंट आती है जिससे आप पेड़ वगैरह की टहनियाँ भी जो है वो काट सकते हैं। तो इसके साथ में जो है ये 4-स्ट्रोक जो है वो इंजन आता है जिसमें आपको अलग से इंजन ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो भी रोप सिस्टम है, इस हैंडल को जो है वो खींचना पड़ता है। और ये जो है इसका पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल से जो है उसको डलता है इसमें पेट्रोल। और ये इसका हैंडल है जिसके साथ जो है इस मशीन को जो है वो पकड़ते हैं। ये जो इसका आगे वाला जो लीवर है इससे रेस दी जाती है। और ये जो है इसका क्लच है, जब तक आप इसको नहीं दबाएंगे ये जो है वो आपका प्रेस नहीं होगा। तो जब हम इसको दबाएंगे क्लच को तभी जो है ये आपका प्रेस होगा। और ये इसका एक लॉक स्क्रू है जिससे हम मतलब रेस को जो है वो लॉक कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे बार बार हमें दबाना पड़ता है तो इसको जो है हम लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के लिए जो है हम इसको इस तरह से पीछे को दबाएंगे और फिर इस स्विच को जो है वो अंदर की तरफ को दबा देंगे। तो ये आपकी रेस जो है वो आपको बार बार जो है वो दबानी नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो स्विच आपको साइड में दिख रहा है ये ऑन ऑफ़ करने के लिए है। जब ऑफ़ करनी है मशीन तो ये ऊपर वाली साइड को होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ और आई जो है वो सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। ओ का मतलब है ऑफ और आई का मतलब है ऑन। तो ये नीचे वाली साइड को करना पड़ता है तब जो है ये ऑन होता है। और इसके आगे वाले हिस्से में जो है ये आपका ब्रश कटर लगा हुआ है। और ये जो है एक जो धान के पौधे हैं छोटे छोटे उनको और गेहूं के पौधे को एक साइड में करने के लिए जो है ये लगा हुआ रहता है जिसको हम एक छज्जा टाइप में जो है वो बोल सकते हैं। और ये सेफ्टी के लिए जो है वो लगा हुआ है ताकि कोई चीज़ जो है वो उछल करके जो है वो ऑपरेटर की तरफ ना आए। और कुछ इसके जो स्टेम है इसकी जो पूरी पाइप है ये इसके ऊपर जो है कुछ वार्निंग सिंबल जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और इसका जो मॉडल है ये ब्रश कटर इसका नाम है और CG-4-स्ट्रोक जो है इसका मॉडल है इसका। और अप्रॉक्सीमेट जो है वो लगभग इसकी कीमत अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि 15,000 तक जो है वो इसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत है, क्योंकि मैंने अभी एक अपने पड़ोसी से ली है चलाने के लिए। जब आपने इस रेस को जो है वो अनलॉक करना है तो उसके लिए जो है आपको इसको जो है वो थोड़ा सा हैंडल को दबाना है तो ये जो है वो आपका रेस जो है वो अनलॉक हो जाएगी। इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत कम पड़ती है, क्योंकि अगर आप इस क्लच को दबाकर इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो जब आपकी ज़रूरत है इंजन को रेस देने की तभी दी जाती है। लेकिन अगर इसको आप इसका यूज़ आपका तब होगा जब आप कोई टहनी वगैरह जो है वो पेड़ वगैरह काट रहे हैं, इससे अटैचमेंट लगा के इसके आगे वाले हिस्से में जो है एक अटैचमेंट लगती है, उस टाइम जो है आप इसको लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज धान या गेहूं अगर आप काट रहे हैं तो उस टाइम जो है वो आप इस क्लच को दबाकर ही इस रेस को जो है वो ऑपरेट करें तो अच्छा रहेगा। ये हैंडल जो है वो एक एलंकी बोल्ट के साथ जो है इस पाइप के साथ जो है वो अटैचमेंट होता है। और एक ये जो आपको हुक दिख रहा है, एक हुक जो है इस बेल्ट के साथ जो है वो लगा, एक बेल्ट जो है ये इसके साथ में आती है आपको कमर के साथ होल्ड करने के लिए। तो ये इसके बीच में एक क्लैंप लगा हुआ है और ये जो हुक दिख रहा है इस हुक के अंदर जो है इसको होल्ड किया जाता है। तो आप इस तरह से उठा के जो है इसको इसके बीच में जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप इंजन को जो है वो पहले स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करने के लिए जो है इस स्विच को जो है वो नीचे करेंगे इस तरह से और इस रोप को जो है वो खींचेंगे, इंजन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप होल्ड करें और होल्ड करने के बाद जो है इस हुक को जो है वो अपनी हाइट के हिसाब से जो है वो सेट कर लें यहाँ पर जो है वो आपका। और इसको जो है आप इस बेल्ट के साथ जो है वो हाइट को अपनी हाइट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लें। तो मैंने जो है ये अपनी हाइट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लिया है और इसको जो है हमने होल्ड कर लिया है। और होल्ड करने के बाद जो है इस बेल्ट के साथ जो है इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से जो है एडजस्ट कर लें, जितनी भी आपकी हाइट हो, जितना आप कम करने में जो है वो कंफर्टेबल हो उतनी हाइट जो है इसको सेट कर लें।
और इस तरह से जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। शुरू शुरू में जो है वो आपको दिक्कत लगेगी कि ये अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप जान पाएंगे कि ये आपके लिए जो है एक बढ़िया टूल है जिसको हम धान काटने के लिए और गेहूँ काटने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है हम इस मशीन से साथ जो है वो गेहूँ को काट कर देखेंगे कि किस तरह से ये मशीन जो है वो गेहूँ को काटती है। आजकल के टाइम में जो है वो लेबर भी बहुत कम मिलती है, तो इस तरह की अगर मशीन अगर आपके पास है तो आप जो है वो अपना गेहूं का खेत जो है वो बड़ी आसानी से और जल्दी जो है वो काट सकते हैं। ये मशीन जो है मेरे एक पड़ोसी किसान भाई की है, इसका नाम मोनू कुमार है, उससे ली है मैंने चलाने के लिए। ट्राई करेंगे हम कि ये कैसा काम करती है। लगभग आधे घंटे में जो है वो काट दिया है, लेकिन इस मशीन से दिक्कत यह है कि आपको ये जो गेहूं है ये अलग से बांधना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप बांधना चाहते हैं तो बांध भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको बड़े एक गड्ढे में जो है वो बांध के जो है वो ऐसे मशीन तक जो है वो ले जा सकते हैं। तो ये आज मैंने पहली बार चलाई है ये मशीन, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये पैसा वसूल जो है वो मशीन है, एक आज सीजन में ही आप अपना पैसा जो है वो कवर कर सकते हैं, और इससे आप लकड़ी काटने का काम भी कर सकते हैं, गेहूं भी काट सकते हैं और धान भी काट सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम इस मशीन से कर सकते हैं, आइए आगे वीडियो में देखें। Thank you.
इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम इस मशीन का जो है वो यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं इसको, इसके बीच में कौन कौन से स्विच जो है वो लगे हुए होते हैं, और गेहूँ काटने के अलावा कहाँ कहाँ पर जो है वो इस मशीन का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।